राष्ट्रपति द्वारा बाल श्रम कराए जाने पर 2 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन फिर भी बाल श्रम पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। ताजा मामला फरीदाबाद के गांव सिकरी से सामने आया, जहां स्टेट क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की टीम ने शिवा नाम के होटल से 4 बच्चों को रेस्क्यू कर आजाद कराया और बाल भवन ले गए। अधिकारी की माने तो चाइल्ड हेल्पलाइन से उनके पास एक कॉल आई थी, जिसमें बताया कि गांव सिकरी में कुछ बच्चे होटल में मजदूरी कर रहे हैं, जिसके बाद एक्शन लेते हुए स्टेट क्राइम की टीम ने वहां कुछ बच्चों को बाल मजदूरी करते देखा, जिनकी उम्र लगभग 10 से 12 साल थी। वहीं इस मामले पर कार्रवाई करते हुए होटल मालिक के खिलाफ बाल श्रम कानून के तहत FIR दर्ज कर दी गई है। 4-5 लोगों की हमारी टीम वहां गई है, हरफला गांव में जो सेवा ढाबा है, मिठाई की दुकान है, तो वहां ये 4 बच्चे काम कर रहे थे, तो हमने काम करते हुए मौके पर इन बच्चों को देखा है और उसके बाद उन बच्चों को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करने के बाद बच्चों ने बताया कि भाई हम इस ढाबे पे इतने इतने टाइम से काम कर रहे हैं, 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं, छोटे 4 बच्चे, तो कोई बच्चा 2 महीने से काम कर रहा है, कोई बच्चा 1 महीने से काम कर रहा है। तो बच्चों के बयानों के आधार पर बच्चों ने बताया भी फलाना आदमी है जो उससे वो हमें सैलरी वगैरह तनख्वाह वगैरह देता है, वो हम पे काम। बता दें कि बाल श्रम करने वाले बच्चों के पिता जितेंद्र दिव्यांग है, जिनका कहना है कि वो बच्चों से मजबूरी के चलते काम कराते हैं। सर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी कि मेरा हाथ कटा हुआ है, दूसरा पर मेरी ड्यूटी चली गई थी कुछ महीने के लिए, तो घर की स्थिति हो गई थी खराब, तो सर मिसेज भी बीमार चलती है हमारी, तो कहीं इधर उधर लगाने के बजाय दुकान पे लगा दिया सर इसे एक बार। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।